हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इको फ्रेंडली डीआईवाई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसके लिए सिर्फ हमें बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक बॉटल्स चाहिए। तो चलिए फिर अपने घर में बेकार पड़ी हुई सारी प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा कर लीजिए और कुछ इंटरेस्टिंग और यूजफुल से आइटम्स बनाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला डीआईवाई। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने ली है ये सैनिटाइजर की बोतल। इसके लेबल्स को मैंने निकाल दिया है और अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद मैंने इस पे मार्किंग कर ली है जहाँ से मुझे इसको कट करना है, और कटर की हेल्प से अब मैं इसको कट कर लूँगी। देन मैं इस बोतल पर सैंडिंग कर रही हूँ सो दैट पेंट या क्ले वर्क जो हम इस पे करें तो वो निकले नहीं। तो अब मैंने कर लिया है इस पे जैसे अप्लाई, और इसके बाद नेक्स्ट हम इस पर डेकोपेज पेपर अप्लाई करेंगे। तो डेकोपेज पेपर तो मेरे पास था नहीं और मुझे ये गर्ल फेस वाला डेकोपेज पेपर चाहिए था, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि नॉर्मल पेपर पे प्रिंट निकाल लिया था, और अब इस पेपर की बैक साइड पे मैंने सेलो टेप पेस्ट कर दी है अच्छे से प्रेस करके, और देन मैं इस सेलो टेप को वापस इससे रिमूव कर लूँगी जिससे कि पेपर की जो लेयर है ना वो निकल जाएगी सेलो टेप के साथ। और ऐसा मैंने दो तीन बार किया है क्योंकि ये एक बार में निकल नहीं रही थी, और दो तीन बार ये अप्लाई करने के बाद ये अच्छे से निकल गई। आई होप आपको ये दिख रही होगी, इसकी पतली सी लेयर बन गई है पेपर की। अब इसी को हम डेकोपेज पेपर की तरह अप्लाई करेंगे। तो अब इस पेपर को मैं बोतल की फ्रंट साइड में मॉड पॉज ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी। पहले मैं ग्लू अप्लाई करूंगी और देन पेपर को पेस्ट कर दूंगी, और ऊपर से दोबारा से फिर मैं ग्लू को अप्लाई कर दूंगी। तो अगर आपके पास ये मॉड पॉज ग्लू ना हो तो आप नॉर्मल फैब्रिक ग्लू को पानी में मिक्स करके भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ पानी। पानी वाइट इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने जैसो वाला ब्रश और स्पॉन्ज वॉश किया था, अदरवाइज नॉर्मल पानी ही लेना है। और अब इसमें मैंने एक स्पून जो है फेविकोल मिक्स कर लिया है। ये अराउंड 4 स्पून पानी था और 1 स्पून फेविकोल, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें मैं अब ये एक कपड़ा लिया है, इसको अच्छे से डिप कर दूँगी। तो ये क्लॉथ को मैं इस मिक्सचर में इसलिए डिप कर रही हूँ ताकि ये सूखने के बाद जो कपड़ा है ना ये हार्ड हो जाए। तो इसके लिए ये तरीका मैंने ऐसे ही ट्राई किया था, मुझे पता नहीं था कि ये सही में काम कर जाएगा। तो अब ये क्लॉथ को अच्छे से डिप कर देने के बाद मैं इसको एक पेपर पे सेट कर लूँगी पहले, और फिर ये जो हमने गर्ल का हेड पेस्ट किया है ना बोतल के ऊपर, इस हेड को हमें कवर करना है इस कपड़े से। तो अब ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको मैंने कट कर लिया है, और नीचे जो बच रहा है उसको मैंने नीचे ही अच्छे से पेस्ट कर दिया बोतल के नीचे। तो जब ये क्लॉथ गीला होगा ना तभी इसकी लेयर्स को आप अच्छे से सेट कर लेना जैसे आप रखना चाहते हो, अदरवाइज जब ये सूख जाएगा तो ये हार्ड हो जाता है बिल्कुल, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये काफ़ी हार्ड हो चुका है और पेस्ट भी हो गया है। तो अब मैं इसको रेड कलर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये रेड ही रखना था, और रेड कलर का कपड़ा मेरे पास था नहीं। बट अगर आपको जिस कलर का बनाना है सेम उसी कलर का कपड़ा आपके पास होगा तो आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये सारा कलर सूख जाने के बाद जो ये इसकी लेयर्स हैं वहाँ पे मैंने गोल्डन कलर कर दिया है, और बाकी की बोतल को मैंने ब्लैक कर दिया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो नेक्स्ट DIY जो है वो मैं लैपटॉप की बैटरी को हैंग करने के लिए एक स्टैंड बना रही हूँ। तो इसके लिए बोतल की मैंने फ्रंट साइड को कट कर लिया है और नीचे की साइड में से एक स्क्वायर कट कर दिया है ताकि बैटरी के प्लग को हम इसमें इंसर्ट करके लगा सकें। तो इसके दोनों साइड के कटे हुए पार्ट्स को मैंने क्ले से कवर कर लिया है, और अब मैं ये मोल्ड से डिज़ाइन बना लूँगी। तो मैंने इसमें क्ले फिल कर दी है और थोड़ी देर इसको सेट होने के लिए रहने देना है, और उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। पूरा हार्ड नहीं होने देना नहीं तो ये मोल्ड में से निकलेगी नहीं फिर। तो ये डिज़ाइन हमारे बनके तैयार हो गए। अब मैं इनको इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं जैसो अप्लाई करूँगी। और इसके बाद मैं इस पर ग्रीन चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ। तो इस पर सारे पे मैंने यही कलर किया है, और फिर ये जो क्ले से डिज़ाइन बनाए हैं इनको मैं स्पॉन्ज की हेल्प से रेड कलर से कलर कर दूँगी।
तो क्योंकि मुझे तो ये लैपटॉप की बैटरी के लिए ही बनाना था, बट अगर आपको ऐसे ही बनाना हो तो आप इसको एज ए ज्वेलरी बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, या फिर और कुछ आइटम्स रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो एज अ बॉक्स। तो मुझे इसको सिंपल रखना था, इसलिए मैंने इस पर क्ले वर्क भी थोड़ा हल्का हल्का ही किया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो इसकी बैक साइड पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बिकॉज़ वो तो दीवार पे हैंग होगा तो बैक साइड तो वैसे ही कवर हो जाएगी, लेकिन जो साइड्स थी वो बहुत खाली सी लग रही थी, तो मैंने ये डिज़ाइन बना दिया दोनों साइड्स में। और इसके बाद मैंने इस पर वार्निश अप्लाई कर दी और ये हमारा सेकेंड DIY भी कम्प्लीट हो गया। तो थर्ड DIY के लिए मैंने ली है ये छोटू सी प्लास्टिक की बोतल, और इसके ढक्कन को मैं इसी के ऊपर ग्लू से फिक्स कर दूंगी और फिर इसको मैं क्ले से कवर कर दूंगी पूरे बोतल को ही। तो ये बेसिकली मैं काऊ हेड बना रही हूँ, जिसके लिए हमको इसी शेप की बोतल चाहिए होगी। फिर साइज़ कोई भी हो, मुझे थोड़े छोटे साइज़ में बनाना था तो मैंने छोटी सी बोतल ली है। आप बड़ी बोतल भी इस शेप की यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने क्ले से ही इसके हॉर्न्स और ईयर्स बना लिए, और अब इन हॉर्न्स और ईयर्स को मैं इनकी जगह पे क्ले से और ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी। तो जब ये वाला क्ले वर्क हो जाने के बाद ये सूख जाएगा, तो उसके बाद हम क्ले से ही इसके फोरहेड पे डिज़ाइन बना लेंगे, हल्के हल्के से कुछ भी छोटे मोटे डिज़ाइन बना देंगे। फिर मैंने क्ले से ही इसकी आइज़ वगैरह बना दी। वैसे अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना हो और भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ था वीडियो, तो आप इसको दिए गए लिंक में प्लीज चेक कर लेना अगर आप देखना चाहें तो। तो अभी ये क्ले वर्क पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इस पर जेसो अप्लाई कर दिया था, और अब मैं कलर कर रही हूँ। तो मैं इसका बेस जो है वो वाइट ही रख रही हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मुझे, क्योंकि ये कलरफुल बनाना था तो मैंने अलग अलग कलर यूज़ किए हैं सारे ही, मतलब लगभग जो मैं कर सकती थी मैंने सभी कलर यूज़ कर दिए हैं। तो सारा कलरिंग पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इसको एक दिए के ऊपर पेस्ट कर दिया, मतलब दिए के नीचे वाली साइड जो होती है ना उसके ऊपर पेस्ट कर दिया, और फिर एक मेरे पास ये फ्रेम था जिसके ऊपर मैंने उस दिए को पेस्ट कर दिया क्ले की हेल्प से। इसके बेस के लिए जैसे मेरे पास फ्रेम है तो आपको कोई हार्ड सी चीज़ लेनी होगी, अदरवाइज ये टिकेगा नहीं। तो ये फ्रेम पे पेस्ट कर देने के बाद मैंने इसमें छोटे छोटे से घुंघरू भी लगा दिए थे और एक वेलकम लिख दिया था, और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो फोर्थ एंड लास्ट DIY के लिए मैंने फिर से एक प्लास्टिक बोतल लिया है और इसको हाफ से कट कर लिया है, और अब मैं इसको टिश्यू पेपर की हेल्प से कवर कर रही हूँ। मैं इससे एक पेन स्टैंड बना रही हूँ। तो इस पर ना मैंने टिश्यू पेपर वाला आर्ट ट्राई किया है, मैंने बहुत वीडियो देखे थे और मेरा बहुत मन था कि मैं भी इस तरह का कुछ बनाऊं, बट बड़े सारे वीडियो ऐसे थे जिनमें उन्होंने ऑलरेडी बना रखा था कैनवास पर, तो मुझे लगा कि फिर मैं बनाऊंगी तो नया क्या होगा उसमें। बट ये आइडिया बाई चांस मुझे पिंटरेस्ट पर मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यही बना लूँ। तो इसके लिए प्रोसेस तो सेम ही है कि वो टिश्यू पेपर को कुछ देर के लिए पानी में भिगो के रखना है, और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में। देन मैंने इस पर फेविकोल मिक्स किया है और एक पेस्ट सा बना लिया है टिश्यू पेपर और फेविकोल से। अब मैं इस मिक्सचर को इस बोतल के ऊपर पेस्ट करूंगी। तो जो डिज़ाइन मैंने बनाना है पहले मैंने वो ड्रॉ कर लिया है, और अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो ये मोस्टली मैंने टिश्यू पेपर वाला आर्ट जहाँ भी देखा है उसमें कैनवास पे ये ड्राइंग करने के लिए कलर ऑलरेडी इसमें मिक्स कर लेते हैं, बट हम कलर इसमें बाद में करेंगे। तो इसमें मैं एक जंगल की रात का सीन क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने एक ये पेड़ बनाया है और उसमें एक उल्लू का नेस्ट है, मतलब ट्री है जिसमें होल है जहाँ उल्लू बैठा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा ही जंगल की एक डरावनी सी रात का सीन है।
आई थिंक वीडियो को देख के आपको प्रोसेस समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये पेड़ का होल तो मैंने बना दिया है और उसमें उल्लू भी बैठ गया है, बट ये इसके साथ में आईज बना रहे हैं हम, और जो चोंच होती है उसकी वो बना रहे हैं। तो पेन स्टैंड की फ्रंट साइड में तो मैंने ये बनाया है, और जो बैक साइड है इसकी उसमें मैं एक ट्री बना दूंगी, और वो भी हम ये टिश्यू पेपर के मिक्सचर से ही बनाएंगे। और अब जो इसकी बाकी की दोनों साइड हैं उनको भी थोड़ा फिल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक लालटेन बना रही हूँ, जो एक साइड में मैं वो हैंग कर दूंगी और दूसरी साइड में वो बरगद की जड़ें होती हैं ना, जड़ें नहीं, जो लटकने होती हैं, जो लटकी होती हैं, वो बनाऊंगी मैं। तो ये सारा क्ले वर्क हो जाने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको कलर करेंगे। तो इसको सूखने में लगभग 2 दिन लग गए थे, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो ये सूख ही नहीं रहा था, जो टिश्यू पेपर वाला काम है ना वो वाला। तो ये पेड़ों पे तो पहले सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर कर दिया था, और बाकी जो बाकी की साइड्स है वहाँ पर मैंने ग्रीन का एक शेड है और ब्लू, डार्क सा ब्लू, वो मैंने अप्लाई किया था और स्पॉन्ज से उसको सारे में फैला दिया। और फिर ये जो पेड़ है इस पर मैंने अलग अलग कलर सारे शेड्स यूज़ किए हैं, जैसे इसमें ग्रे कलर, वाइट कलर, ग्रीन और ब्राउन कलर यूज़ किया है मैंने। देन इसके बाद मैं इसकी साइड में छोटे छोटे से मशरूम बना रही हूँ और कुछ लीव्स बना रही हूँ, और नीचे मैंने कलर से ही कुछ पत्ते और फूल बना दिए थे। बस हम इस पर भी वार्निश अप्लाई कर देंगे और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।